फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं जलपाईगुड़ी। अब यहाँ से लेट्स सी वेयर वी हैव टू हेड। सो फाइनली हम लोग पहुँचते हैं जलपाईगुड़ी में, एंड जलपाईगुड़ी पहुँचते ही हम पता करने लग जाते हैं टॉय ट्रेन का। तो हमें पता चलता है कि जो सी टॉय ट्रेन है जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक की, वो सुबह चलती है 10 बजे, एंड उसकी टिकट्स ऐसे मिलना पॉसिबल नहीं है बिकॉज रश काफ़ी होता है। तो टिकट्स उसकी आपको पहले ऑनलाइन बुक करवानी पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे एट अ टाइम अगर आप टिकट्स का पता करोगे तो वो नहीं मिलेगी। एंड ट्रेन 6 घंटे लगाती है जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक पहुँचने में, तो हमने फिर कैंसिल ही कर दिया यार, बिकॉज हमने रिस्क नहीं लेना था क्योंकि हमारे पास टाइम पहले बहुत कम था, एंड ऊपर से हम आए भी रात को, तो हमें पॉसिबल नहीं लगा एंड हमारे लिए वो हमें ठीक नहीं लगा, तो इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। एंड रात काफ़ी हो चुकी थी तो इसीलिए हम होटल की तलाश में जंक्शन से बाहर निकलते हैं, एंड बाहर जाके हम लोग देखते हैं हमारे राइट साइड प्यारा सा टॉय ट्रेन का मॉडल खड़ा है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, एंड ऊपर न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ था एंड वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एंड सामने थी मार्केट प्लेस जिसको देख के हमारे दिमाग का दही हो जाता है, हमारे पूरे ट्रिप का सत्यानाश हो जाता है भाई लोग। पर हमें एक चीज़ नहीं दिखी वहाँ पे यार, हमें लगा था कि हम जलपाईगुड़ी जाएंगे, वहाँ पे माउंटेंस होंगे, प्यारे प्यारे व्यू होंगे, पर हमें पता नहीं था, हम भी फर्स्ट टाइम आए थे, कि ये भी प्लेन एरिया होगा जैसे अपना चंडीगढ़ है और नीचे वाले सभी इलाके हैं। तो बस एक चीज़ की हमें एक्सपेक्टेशन नहीं थी वो था ये। तो हम लोग जाते हैं आगे मार्केट प्लेस में, एंड वहाँ पे जाके हमें फिर याद आती है डड्डू माजरा की, जो कि हमारे चंडीगढ़ के पास में पड़ता है। मतलब सेम वही फीलिंग आ रही थी यार, सेम वही फीलिंग आ रही थी, क्योंकि यार यहाँ पे मतलब कचरे की स्मेल आ रही थी एंड मार्केट भी इतनी गंदी थी, मैं क्या बताऊँ, आप लोग देख ही सकते हो। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि जलपाईगुड़ी में ऐसा मतलब होगा, हमें लगा था कि हम भाई वहाँ जाके मज़े करेंगे, हम पूरी रात सोएंगे नहीं, हम वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पर जाके हमारे दिमाग का दही हो गया यार। पर चलो भाई कोई बात नहीं, सब एक्सपीरियंस लेना चाहिए, जैसे मुजफ्फरपुर का एक्सपीरियंस था वैसे हमारे लिए ये जलपाईगुड़ी का एक्सपीरियंस था, एंड इसे हम कभी भूलेंगे नहीं। तो फिर हम लोग जाते हैं थोड़ा आगे होटल की तलाश में, पर होटल मिलने से पहले हमें 2-3 बंदे मिलते हैं ट्रैवल एजेंसी वाले, वो हमें लेके जाते हैं अपने ऑफिस में, एंड हम वहाँ पर जाके बैठते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं कि ये हमारा पैकेज है, आपको ये घुमाएंगे वो घुमाएंगे। तो हमने कहा लग तो भाई ठीक रहा है, फिर हमने बंदे से पूछा प्राइस बता भाई कितना लोगे आप, तो बंदा बोलता भाई पर पर्सन मैं लूँगा आपसे 14,000। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है साले, जब साडा बजट ही 15,000 है तो तू साडे तो एक बंदे 14,000 लूंगा है। मतलब बस भाई फिर हम वहाँ से उठे और निकल लिए बस। फिर हमने मतलब जाके हमें एक दो बंदे और मेरे सेम वही कि 12,000 पर पर्सन, 13,000 पर पर्सन ऐसे करके, तो हमें ठीक से नहीं लगा भाई। देन हमने सोचा कि चलो बाइक रेंट पे लेते हैं बिकॉज हमें सस्ता भी पड़ जाएगा एंड हम थोड़ा घूम भी लेंगे एंड थोड़ी अपने इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे, हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। पर फिर हमने सोचा कि यार मतलब पहली बार हम यहाँ पे आए हैं, पता नहीं कि इलाका कैसा है, सेफ़ रहेगा नहीं रहेगा, तो हमने सेफ्टी को प्रेफर करते हुए हमने वो भी कैंसिल कर दिया। पर हमारी किस्मत देखो कितनी अच्छी थी, हमें एक बंदा मिला वहाँ पे, वो हमें एक और ट्रैवल एजेंसी मिलेगी, हमने कहा चलो भाई देख लेते हैं, अगर हमें अच्छा लगा ले लेंगे वरना फिर हम अपने हिसाब से चलेंगे। फिर हम वहाँ पे गए एंड वहाँ पे हम बैठे, सेम इस बंदे ने हमें सेम वही बताया कि ये प्लेसेस है, मैं आपको दार्जिलिंग में ये घुमाऊंगा, फिर आपको हम सिक्किम में लेके जाएंगे, नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, ये घुमाऊंगा वो घुमाऊंगा। हमने कहा ठीक है, फिर मैंने उसे साफ साफ बोला कि भैया हमारा बजट है 15,000 दोनों बंदों का, अब आप मतलब अगर इसमें हमें कवर करवा सकते तो बताओ, नहीं करवा सकते तो बताओ। तो उस बंदे ने हमारी गरीब बंदों की शक्ल को देख के उसने फाइनली हमें कहा कि चलो ना आपकी ना मेरी, मैं आपको 17,700 में पैकेज देता हूँ, इसमें आपकी टैक्सी है, इसी में आपका खाना पीना है, इसी में आपका होटल है, आपके सभी साइट सींग है, सब कुछ इसमें होगा। मैंने उसे फिर दोबारा पूछा कि भैया 17,700 हम दोनों के ना, सिंगल पर्सन के तो नहीं है? कहता हाँ हाँ आप दोनों के। तो भाई उसको सुन के ना मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा लो भाई कोई बंदा मिला हमें जेन्युइन, जो हमें सही प्राइस बता रहा है। मैंने उसे बहुत मिन्नतें करी, मैंने कहा भैया 15,000 ठीक है यार ले लो, हम पे तरस खाओ भैया इतनी दूर से आए हैं हम। पर बंदा माना ही नहीं भाई। फिर हमने भी सोचा कि चलो यार 2,000 में क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी हम एक बंदे का 10,000 मान के चल रहे थे, तो यहाँ तो ये तो फिर भी 17,700 में मान गया बंदा, ठीक है भाई ले लेते हैं। तो हमने उसको दे दिए एंड पैकेज ले लिया, एंड हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, जो कि खुशी सिर्फ जलपाईगुड़ी तक की थी।
क्योंकि भाई फिर जैसे जैसे हम लोग पहुंचते रहे, हम एक्सप्लोर करते रहे, हमें पता चलता रहा कि यार यहाँ पे ऐसे ऐसे आना था, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ऐसे आना था, तो हमें लगा कि भाई हम घाटे में चले गए। पर हमें फिर भी इतनी दुख नहीं हुआ क्योंकि कहाँ पे भाई एक बंदा हमसे 14,000 पर पर्सन ले रहा था एंड कहाँ हम 17,700 दे के आया दोनों के, तो हमें इतना दुख नहीं लगा। बेशक हमें 4-5 हज़ार का घाटा हुआ है, पर इट्स ओके यार, कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज हम पहली बार गए थे तो हमें इतना मतलब रिग्रेट नहीं हुआ। पर मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे दो तरह की टैक्सी चलती है, एक शेयरिंग टैक्सी, एक पर्सनल टैक्सी। एंड सबसे मस्त सिस्टम लगा मेरे को वो, मतलब उसका ये फ़ायदा आपको शेयरिंग टैक्सी को पर पर्सन सिर्फ 300 रुपये देने हैं जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक का, एंड दार्जिलिंग से गैंगटोक तक का आपको सिर्फ 500 रुपये देना पर पर्सन। एंड गैंगटोक से अगर आप जाते हो फिर लाचुंग में, मतलब वो ईस्ट सिक्किम में, पर अपनी शेयरिंग टैक्सी करके, तो उसमें भी आपको सिर्फ 500-600 रुपये देने हैं। एंड फिर आप वापस गैंगटोक से जाते हो नॉर्थ सिक्किम में, तो वहाँ भी आपको सिर्फ 500-600 देने हैं। ये फ़ायदा है शेयरिंग टैक्सी का। अगर आप पर्सनल टैक्सी करते हो वहाँ पे, लेकिन अगर आपका फ्रेंड सर्कल है 8-9 बंदों का या आप पूरी फैमिली हो, तो आप पर्सनल टैक्सी कर लेना, आपको सबसे बेस्ट रहेगी। पर्सनल टैक्सी में आपको आपका फेयर लगेगा सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये गैंगटोक से नॉर्थ एंड ईस्ट सिक्किम तक का, एंड जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक का वही 3,000-2,500 इतने लगते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं लगते आपके। तो बस इसमें हमने घाटा खा लिया। एंड होटल वगैरह का वहाँ पे कोई घाटा नहीं है भाई। ये ट्रैवल एजेंसी वाले आपको कहेंगे कि आपको होटल नहीं मिलेगा ऊपर, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, सब कुछ मिल जाता है ऊपर जाके। वहाँ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है और वो है परमिट की। लाइक अगर आप नॉर्थ एंड ईस्ट सिक्किम घूमना चाहते हो तो आप वहाँ पे विदाउट परमिट नहीं घूम सकते, तो उसके लिए आपको परमिट चाहिए चाहिए होते हैं। एंड वो परमिट सिर्फ ट्रैवल एजेंसी वाले ही बना के देते हैं। बाकी वहाँ पे जो से होटल वाले होते हैं ना, उनका कॉन्टैक्ट भी होता है ट्रैवल एजेंसी के साथ। अगर आप इंडिपेंडेंटली घूम रहे हो वहाँ पे, तो आप अपने होटल में जहाँ पे आपने स्टे कर रखा है, अपने होटल के मैनेजर को या रिसेप्शनिस्ट को पकड़ के आप उसको बोल सकते हो कि भाई हमारा परमिट बनवा दो, हमें नॉर्थ एंड ईस्ट सिक्किम में जाना है, तो वो आपको वो परमिट बनवा के दे सकते हैं। अगर आप फिर भी आप इंडिपेंडेंटली नहीं घूमना चाहते, आप चाहते हो कि आप बिल्कुल फ्री हो के वहाँ पे घूमें, लाइक होटल का, लाइक ना आपको होटल की सिरदर्दी हो, ना ही टैक्सी की, ना ही घूमने की, किसी भी चीज़ की सिरदर्दी ना हो, तो आप ये आपको बिल्कुल जेन्युइन पैकेज बता के देंगे लाइक इन्होंने हमें दिया था। एंड भैया काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। मतलब हमने जब भी इनको कॉल करी ना अपने पूरे ट्रिप पे, लाइक 4 दिन का ट्रिप था हमारा, तो एक भी टाइम ऐसा नहीं था इन्होंने हमारी कॉल पिक ना करी हो। हमें कोई भी प्रॉब्लम आई हो हमने इनको कॉल की एंड इन्होंने बड़े अच्छे से सॉल्व किया एंड बात करी, तो काफ़ी अच्छा लगा नेचर मुझे भैया का। तो आप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका नाम ट्रैवल एजेंसी का और इसका पता एंड नंबर नीचे दे दूंगा, आप जाके यहाँ पे इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो भाई लोग अपना सब कुछ हो गया, माइंड फ्रेश हो गया सुबह सुबह, अपना प्लानिंग वगैरह पैकेज टूरिस्ट का भैया ने सब कुछ कर दिया भाई। हमें बहुत अच्छा भाई प्लानर मिल गया यहाँ पे हमारे बजट के अंदर। भाई हमारा बजट ही भाई घूमने का था हमारा 15,000, हम मतलब एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि 15 हमारा लग जाएगा, तो इन्होंने 17,500 बताया, तो मतलब 2,500 में मतलब हमें सब कुछ ही करके दे रहे एक्स्ट्रा, अपनी टैक्सी, रहने सहने का, होटल वगैरह का, तो हमें ठीक ही लगा भाई, तो इसलिए हमने यहाँ पे पैकेज डन कर दिया। तो भाई अब ये सामने भैया जा रहे हैं येलो शर्ट में, ये हमें लेके जा रहे हैं होटल की तरफ, तो अब हम लोग जा रहे हैं होटल एंड होटल में अब हम लोग रुकेंगे। एंड सुबह है हमारी यहाँ से टैक्सी 5 बजे की, फिर वहाँ से हम सीधा जाएंगे दार्जिलिंग। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं होटल एंड वहाँ पे सामान वगैरह रखते हैं एंड फिर यहाँ की थोड़ी मार्केट घूमते हैं एंड थोड़ा शूट करते हैं एंड खाना पीना खा के फिर आते हैं भाई लोग सोने। तो चलो अभी फ़िलहाल चलते हैं होटल। भाई हम लोग पहुँच गए अपने लॉज की तरफ, अभिषेक लॉज मूनलाइट गेस्ट हाउस। तो चलो भाई देखते हैं रूम अपने जाके। एक मिनट भाई, ये अपना रूम आ गया, आप लोग देख सकते हो। तो
कोई पहले से मार रखते हैं इतना भारी, 10-10 किलो का लगेज है हमारा। तो चलो भाई बैग रखो नीचे, ये रूम है भाई। मैं भाई नीचे जाके आता हूँ, पेमेंट वगैरह करनी होगी, तो चलो पेमेंट करके आते हैं। तो भाई लोग अपना होटल फाइनली बुक हो गया है एंड 700 रुपये लिए इन्होंने होटल के चार्जेस। मतलब ठीक है यार, रूम ठीक है, सोना ही है भाई, इतना कौन सा हमें 5-4 रूम चाहिए यहाँ पे भाई सोने के लिए। तो बस हम रूम वगैरह में सामान रखा है एंड अब हम लोग जा रहे हैं खाना पीने के लिए। अब जाएगा थोड़ी पेट पूजा करते हैं, उसके बाद फिर सोते हैं एंड फिर रेस्ट करके सुबह निकलेंगे हम 5 बजे दार्जिलिंग के लिए, हमारी सबसे पहली प्लेस। तो चलो अब पेट पूजा करते हैं, उसके बाद फिर आके रूम में थोड़ा गप्पे शप्पे मार के सोते हैं। तो भाई चलो हम खाना खाते हैं एंड फिर मिलते हैं आपको सीधा होटल में एंड फिर वहाँ पे करके अपना ब्लॉग एंड आज का एंड फिर सुबह मिलते हैं आपको। तो तब तक के लिए ओके बाय, सी यू। तो भाई हम लोग आ गए खाना पीना खा के अपने लॉज की तरफ। तो चलो भाई अब चलते हैं अंदर। अंकल जी ज़्यादा कुछ नहीं करता, क्या कितना लगा इधर ही आया अपना भी आ गया। चलो पिछा तो चलो भाई अब हम लोग चलते हैं ऊपर एंड ऊपर जाके सोते हैं एंड आप लोगों को मिलेंगे सुबह। भाई बहुत थक गए हम, हार्ट अटैक हो गई भाई हमारी, फिर भी हमारा बड़ा अच्छा पर चलो भाई सोना ही है अभी फिलहाल, बिकॉज हमने अपने पैसे बचाने जितना हो सकता है भाई। चलो भाई